करेंगे हम लोग यहाँ पे टाइप टूल डिस्कस करेंगे, ठीक है, इलस्ट्रेटर का टाइप टूल। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करके रखा है। तो टाइप टूल को समझना है, टाइप टूल के ऊपर और भी क्लास होगा लेकिन आज मैं पहला क्लास कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले टाइप टूल की मदद से, मतलब सिंपल सा बात है, अगर तुमको टाइपिंग का कुछ टाइप करना है तो टाइप टूल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये टाइप टूल को सिलेक्ट कर लेंगे, इसका शॉर्टकट की है टी, तो इसको ये टाइप टूल इसमें क्लिक कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद तुमको जो भी टाइप करना है यहाँ पे टाइप कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम टू डेटा कॉम, ठीक है। और जब भी तुम कुछ टाइप करो, टाइप करने के बाद अगर तुम्हारा टाइप खत्म, मतलब टाइपिंग खत्म हो चुका है, तुमको और कोई लाइन लिखना नहीं है, वर्ड लिखना नहीं है, तो बस इस सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लो। तो मतलब ये तुम्हारा टाइपिंग कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे एक बाउंडिंग बॉक्स भी आ जाएगा उसके साथ साथ, ठीक है। और उसके बाद तुम इसको जहाँ चाहे प्लेस कर सकते हो, ओके। और अगर तुमको चाहिए कि एक साथ मल्टीपल लाइन टाइप करना हो, तो तुम उसके लिए एंटर प्रेस करते हुए मल्टीपल लाइन टाइप कर सकते हो। जैसे मैं फिर से दिखाता हूँ, मैंने एक बार फिर से टाइप टूल को एक्टिवेट कर लिया और मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ कि जैसे वेलकम, ठीक है, टू, और मैं जो डाटा कॉम है वो लिखना चाहता हूँ मैं सेकेंड लाइन में, तो उसके लिए मैं एंटर प्रेस करूँगा। तो एंटर प्रेस करते ही यहाँ पर ये न्यू लाइन बन जाएगा और ये डाटा कॉम इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो लाइन लिखा, इस तरह से एंटर प्रेस करते तुम दो लाइन टाइप, एंटर प्रेस करते मल्टीपल लाइन तुम यहाँ पे टाइप कर सकते हो। बस समझ में रहा है? तो ऐसा बात नहीं है, जो तुम्हारा, जैसे तुमने समझ लो कि अभी जैसे मैंने ये वाला लाइन और इसी में मुझे मल्टीपल लाइन ऐड करना है, ठीक है, इसी में मुझे क्या करना है, मल्टीपल लाइन ऐड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली टाइप टूल को सिलेक्ट करते हुए इसका यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और उसके बाद मतलब कि अभी ये वाला जो टाइप टूल का बॉक्स है वो सिलेक्टेड है, मतलब, ठीक है। और इसमें जो भी कंटिन्यू करोगे इसी का ही होगा। अगर मैं तुमको दिखाऊं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, फिर से मैंने यहाँ पे लिखा डेटा कॉम, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो है, मैं फिर से एक बार सिलेक्शन टूल में जा रहा हूँ और देखो ये सेम बाउंडिंग बॉक्स में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, इसका बाउंडिंग बॉक्स अलग है और इसका अलग है। और ये जो मैंने लाइन लिखा ये बाद में लिखा, न्यू लाइन, ठीक हो गया, क्लियर। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग मल्टीपल लाइन टाइप कर सकते हैं। अच्छा, तो ठीक है, मैं एक लाइन यहाँ से डिलीट कर देता हूँ फिर से और यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे देखो तुमको कुछ यहाँ पे ज़रूरी चीज़ें बोलने वाला हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे हेलो टाइप किया, और अभी मैं, बहुत लोग क्या करते हैं इस तरह से लिखने के बाद इसका साइज को इंक्रीज करते हैं। किसको? इसका साइज को कैसे इंक्रीज करते हैं? सिंपली यहाँ पे क्लिक करते हुए इस तरह से। एक्चुअली ये सही तरीका नहीं है, बहुत हम लोग मैक्सिमम मैंने देखा है इस तरह से उसको इंक्रीज, इसका साइज को बढ़ाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं, तुम लोग करते हो कि नहीं? ये सही तरीका नहीं है, ये हो सकता है कर सकते हो, लेकिन ये देखो तुम्हारा वो उसका हुलिया बिगड़ जाता है। एक्चुअली उसका मतलब प्रॉपर तरीके से वो एक्चुअली बोला जाता है, हम लोग इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, एक तरह से बोला जाता है स्ट्रेच कर रहे हैं। तो ये सही तरीका नहीं है, कभी भी ऐसे मतलब उसको मत बड़ा करना। एक्चुअली इसको, अगर तुमको इसका बड़ा करना है तो शिफ्ट दबाते हुए, शिफ्ट शिफ्ट दबाते हुए और यहाँ पे क्लिक करो, इक्वल प्रोपोर्शन पे ये देखो बड़ा होगा। बस समझ में आ रहा है ना, अभी ये साइज बड़ा हो रहा है। और अगर इस तरह से करेंगे तो एक तरह से इसको मतलब हम लोग स्ट्रेच कर रहे हैं इसको, ठीक है, जैसे इस तरह से कर रहे हैं, या अगर यहाँ से कर रहे हैं तो ये एक तरह से स्ट्रेच हो गया, ये इक्वल प्रोपोर्शन में ये बड़ा हुआ नहीं है। तो ध्यान में रखना है हम लोगों को कि जब भी इसको बड़ा करना है तो इस तरह से शिफ्ट दबाते हुए यहाँ पे इसको बड़ा करना है, इसका साइज लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक समझ में आ रहा है? अभी ये जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे टाइप किया, अभी हर जब भी तुम टाइप टूल को एक्टिवेट करोगे उससे जुड़ा हुआ बहुत सारा ऊपर में तुमको दिखेगा, बहुत सारा प्रॉपर्टी है इसका, ठीक है। तो इन प्रॉपर्टीज़ में जाते हुए हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये हो गया इसका अच्छा, और एक चीज़, उस प्रॉपर्टीज़ में जाने से पहले मैं और एक चीज़ तुम लोगों को बोल दूँ यहाँ पे
इसे मुझे अभी तो मैंने जस्ट सिंपली दो तीन वर्ड लिखा है यहाँ पे, समझ लो। जब तुमको पैराग्राफ लिखना हो, मतलब दो तीन लाइन या तो इस तरह से के लिए सही है, लेकिन जब तुमको कोई पैराग्राफ टाइप करना हो तो तुम पूरा उसका एक पैराग्राफ के लिए पूरा उसका एरिया सिलेक्ट करना कि मुझे इतना एरिया में पैराग्राफ लिखना है। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? जब हम लोग डिज़ाइनिंग करेंगे ना, कि समझ लो कि मुझे इसी एरिया में पैराग्राफ को टाइप करना है, नहीं तो क्या होगा, तुम टाइप करते जाओगे उसका बाहर चला, मतलब लिमिट तुम्हारा बाउंड्री नहीं रहेगा यहाँ पे। इसीलिए पैराग्राफ टाइप करने के लिए टाइप टूल को सिलेक्ट करो और अपना एक बाउंड्री तुम पहले से ही लिमिट कर लो कि मुझे इतना में ही पैराग्राफ लिखना है, या तो इतना में लिखना है पैराग्राफ, जहाँ पे भी तुमको देना है वो पैराग्राफ तुम इस तरह से डिसाइड कर लो, ठीक है? तो ये मेरा पैराग्राफ हो गया। अभी जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँ तो देखो, मैं जो भी टाइप कर रहा हूँ अपने आप से वो सेकेंड लाइन में आ रहा है, वो बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर रहा है, ठीक है? तो इसीलिए तुम अपना पैराग्राफ जब टाइप करोगे उसके लिए उसका बाउंड्री लाइन को लिमिट कर लेना कि कहाँ पर वो पैराग्राफ बनेगा, ठीक है? क्लियर, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया बात। तो और पैराग्राफ का साइज़ को तुम बाद में इस तरह छोटा बड़ा कर सकते हो, अलग बात है। अच्छा अभी देखो, जैसे फिर से मैं टाइप टूल में आ रहा हूँ और मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ बना लिया, समझ ली इतना सारा, ठीक है? इतना सारा पैराग्राफ बना लिया मैंने। और कभी कभी होता है कि टेम्पररी बेसिस के लिए पैराग्राफ को फिल करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, कुछ टेक्स्ट चाहिए होता है। तो अभी तुम ऐसे तो टाइप करना, अभी जैसे मैं अभी फ़िलहाल रैंडमली ऐसे कीबोर्ड में प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, की स्ट्रोक लगा रहा हूँ मैं, लेकिन तुमको अगर इस पैराग्राफ को जस्ट रैंडम कुछ टेक्स्ट यहाँ पे डालना है जो कि तुमको टाइप नहीं करना है, जस्ट कुछ चेकिंग के लिए, एक्टिविटी चेक करने के लिए तुमको यहाँ पे कंटेंट डालना है, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे एक ऑनलाइन पोर्टल है, मैं तुमको बोल दे रहा हूँ, यहाँ पे तुम जस्ट यहाँ पे मतलब अपना ब्राउज़र को ओपन कर लो, यहाँ पे टाइप करो lipsum.com, यहाँ पे तुमको डमी टेक्स्ट मिल जाएगा, डमी टेक्स्ट, ठीक है? डमी टेक्स्ट मतलब बस चाहिए, जैसे तुमको अगर 5 पैराग्राफ चाहिए तो 5 लिखो, यहाँ पे अगर 2 पैराग्राफ चाहिए 2 लिखो, 3 पैराग्राफ चाहिए 3 लिखो, जितना भी चाहिए। अगर वर्ड्स चाहिए तुमको कितना सा वर्ड्स चाहिए, 1000, ऐसा होता है ना कभी कभी हम लोग टेस्टिंग के लिए सब जरूरत पड़ता है डमी टेक्स्ट का, तो यहाँ से तुम अपना डमी टेक्स्ट ले सकते हो, ठीक है? तो ये सब दिया हुआ है, जैसे समझ लो आज मुझे 3 पैराग्राफ चाहिए, मैंने यहाँ पे 3 लिखा और पैराग्राफ में क्लिक कर लिया और ये जेनरेट लोरियम इप्सम, ठीक है? ये एक जस्ट सिंपल डमी टेक्स्ट है, इसमें क्लिक करो तो तुम्हारा 3 पैराग्राफ का एक इस तरह से क्या बन जाएगा, डमी टेक्स्ट तुम्हारे पास आ जाएगा। और बस तुम यहाँ पे इसको कॉपी करके उठा के लेके अपना वहाँ पे पेस्ट कर दो, समझ में आ रहा है? यहाँ पे तुम जाके इसको पेस्ट कर दो, तुम्हारे पास वो डमी टेक्स्ट आ चुका है, ठीक है? हालांकि मैंने इसको जूम करके रखा था इसीलिए ऐसे आ रहा है ये, बस समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया? तो इस तरह से तुम वहाँ से डमी टेक्स्ट, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ एक नया फाइल में, मैं न्यू करता हूँ क्योंकि ये जूम हुआ था ऑलरेडी पहले से। जैसे मैंने यहाँ पे ये अपना समझ लो, मैंने इतना सा रीजन चूज़ कर लिया, यहाँ पे मुझे देना है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ टाइप टूल को क्लिक करते हुए वो जो डमी टेक्स्ट मैंने वहाँ से लिया था उसको मैंने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है? ये एक्चुअली मेरा पैराग्राफ्स में एक्चुअली पैराग्राफ के अंदर है, यानी बाहर चला गया, ये पैराग्राफ के बाहर चला गया। इसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखो मैंने ये टाइप टूल के मदद से इसका एक मैंने पैराग्राफ के लिए एक बाउंड्री बॉक्स बना दिया, समझ लो इतना में मुझे पैराग्राफ टाइप करना है, और जो मैंने वहाँ पे कंटेंट कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, सिंपली कंट्रोल भी कर दो, तो देखो उसी के अंदर तुम्हारा, उसी बाउंड्री एरिया के अंदर तुम्हारा पैराग्राफ आ जाएगा, क्लियर, समझ में आ गया? तो इस तरह से तुम डमी टेक्स्ट ले सकते हो। अच्छा चलो ठीक है, तो मैं इसी में आ रहा हूँ और इसको मैं कंट्रोल जेड से बैक करता हूँ, चलो। अच्छा तो ये सब जो है मैं यहाँ से फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे, अच्छा ये तो हो गया पैराग्राफ का बात। अभी समझ लो तुमको तुम्हारा जो टेक्स्ट है, समझ लो मैंने यहाँ पे कुछ टाइप किया, यहाँ पे जैसे मैंने टाइप किया हेलो, ठीक है? मैंने क्या टाइप किया, हेलो। और इसका मुझे फॉन्ट साइज वगैरह ये सब मॉडिफाई करना है, तो फॉन्ट के लिए यहाँ पे मिल जाता है, ये अलग अलग फॉन्ट फैमिली है, देखो यहाँ पे अगर जाओगे तो तुमको यहाँ पे कौन सा फॉन्ट यूज़ करना है, यहाँ पे अलग अलग इसका फॉन्ट से देखा ना, तो जो भी तुम यहाँ से उसका फॉन्ट चाहिए होता है वो फॉन्ट, यहाँ से चाइनीज़ चाहिए तो चाइनीज़ सिलेक्ट कर लेना, ये चाइनीज़ नेम में एक्चुअली आ रहा है, एक्चुअली फॉन्ट तो यही है, ठीक है? तो ये सब अलग अलग इसका फॉन्ट से, हाँ
ये है, ठीक है, ये सब फॉन्ट है, ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो तो नॉर्मली तो ये सब बहुत सारा फॉन्ट है, सबका अलग अलग फॉन्ट आएगा यहाँ पे। तुम जो फॉन्ट तुमने इंस्टॉल करके रखा है वही फॉन्ट आएगा, जैसे ये एरियल, नॉर्मली हम लोग एरियल को ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया फॉन्ट स्टाइल, ये तो हो गया फॉन्ट फैमिली, उसके बाद ये हो गया फॉन्ट स्टाइल। ये क्या है, फॉन्ट और ये फॉन्ट स्टाइल। देखो फॉन्ट स्टाइल हर फॉन्ट के लिए अलग अलग होता है। जैसे देखो मैंने एरियल चूज़ किया तो इसका फॉन्ट स्टाइल क्या है, ये सब 1 2 3 4 5 6 स्टाइल से। अगर मैं यहाँ पे दूसरा कोई फॉन्ट चूज़ करूँ, जैसे मैंने अवार्ड वाला चूज़ कर लिया, और इसका भी देखो इसका भी 6 स्टाइल से। चलो मैं कोई दूसरा फॉन्ट में जा रहा हूँ, जैसे मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया, इसका देखो अभी सिर्फ एक ही स्टाइल मिल रहा है। तो फॉन्ट के हिसाब से उसका स्टाइल भी अलग अलग होता है, बस समझ में आ रहा है। ये एक्स्ट्रा बोल्ड वाला है, स्टाइल है इसका। तो जो भी हो फॉन्ट के हिसाब से उसका क्या होता है, स्टाइल भी अलग अलग होता है। तो जैसे अभी मैं जस्ट एरियल में जा रहा हूँ, एरियल कहाँ गया भाई, एरियल, ठीक है, ये एरियल। तो इसका देखो अलग अलग फॉन्ट्स हैं, ये तुम लोग को पता है। अभी जैसे नेरो, ये नेरो बन गया, थोड़ा इसका स्टाइल चेंज हुआ, फॉन्ट वही रहेगा, रेगुलर मोड में आ गया ये। इटालिक मतलब थोड़ा बैंड हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, बोल्ड इटालिक, लाइक दिस। दीज आर डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स, इट्स अप टू यू। तुम रेगुलर में इसको, मैं इसको रेगुलर में छोड़ता हूँ, ठीक है। हर फॉन्ट का अपना स्टाइल होता है, और इन स्टाइल को जैसे मैं अगर तुमको, अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा नेक्स्ट जो हो गया यहाँ पे, नेक्स्ट जो हो गया वो हो गया ये तुम्हारा फॉन्ट साइज। अगर तुमको उस फॉन्ट साइज को बढ़ाना है तो यहाँ से भी बढ़ा सकते हो, जैसे मैंने ये 14 कर दिया इसको। सो इट्स अप टू यू, तुमको जो फॉन्ट साइज देना है यहाँ से तुम उसको प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। अभी तुम्हारा टेक्स्ट से जुड़ा हुआ कुछ और भी प्रॉपर्टी है, जिनको हम लोग चेंज करते हुए अपना टेक्स्ट को अलग अलग तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे उसके लिए तुम्हारे पास यहाँ पे देखो, जब मैं टाइप टूल को मैं सिलेक्ट कर लूँ, मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कैरेक्टर नाम से। दो ऑप्शन है, एक तो हो गया कैरेक्टर और पैराग्राफ। पैराग्राफ से जुड़ा हुआ अगर कुछ भी तुमको मॉडिफिकेशन करना है तो तुम यहाँ पे जा सकते हो, और अगर कैरेक्टर से जुड़ा हुआ कुछ भी मॉडिफिकेशंस करना है तो तुम यहाँ पे जा सकते हो, मतलब उससे जुड़ा हुआ जो प्रॉपर्टीज़ है। तो यहाँ पे क्लिक करते ही कैरेक्टर पैनल डिस्प्ले हो जाएगा, ये इस तरह का पैनल है कैरेक्टर पैनल, ठीक है। और इसी पैनल को तुम यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो, कंट्रोल टी से भी तुम इसको एक्सेस कर सकते हो, कंट्रोल टी, ठीक है। और इसका बाकी ऑप्शंस अभी हाइड है, यहाँ पे जाते हुए शो ऑप्शंस कर दो तो बाकी ऑप्शंस भी इसका शो हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारे पास कैरेक्टर पैनल, ठीक है। तो कैरेक्टर पैनल में सबसे पहला जो ऑप्शन है वो तो समझ में आ ही रहा है तुम लोग को, वही फॉन्ट फैमिली का बात हो रहा है। तो यहाँ से भी तुम फॉन्ट फैमिली देखो, और यहाँ पे से भी तुम फॉन्ट फैमिली को चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। बहुत सारा फॉन्ट फैमिली है, तुमको कौन सा अच्छा लगे वो फॉन्ट फैमिली तुम यहाँ से भी इसको अप्लाई कर सकते हो। अच्छा तो फिलहाल मैं इसको डिफ़ॉल्ट में रहने देता हूँ इसको। एंड अच्छा मैंने इसको सिलेक्ट किया नहीं था, तो पहले एक बार इसको सिलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। और यहाँ से तुम इसका फॉन्ट्स को इस तरह से चेंज कर सकते हो। तो देखो जो अच्छा लगे अप्लाई कर लेना वो फॉन्ट। तो फिलहाल मैं इसको डिफ़ॉल्ट में रखता हूँ, ओके। उस तरह से तुम इसका फॉन्ट स्टाइल भी यहाँ से चेंज कर सकते हो, फॉन्ट फैमिली एंड फॉन्ट स्टाइल। हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी ऑप्शंस को, इन सब को थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग क्या है यहाँ पे। फिलहाल हम लोग कैरेक्टर पैनल पे हैं, यहाँ पे पैराग्राफ पैनल भी है, ठीक है। तो बात कर रहे हैं हम लोग कैरेक्टर पैनल का। तो देखो यहाँ पे ये सबसे पहला ऑप्शन जो हो गया ये क्या है, ये तुम्हारा देखो ये सेट फॉन्ट साइज। फिर वही बात, अगर फॉन्ट साइज को बढ़ाना है तो हम लोग यहाँ से भी इसको बढ़ा सकते हैं। इसका अप एंड डाउन को एरो को क्लिक करते हुए तुम इसका फॉन्ट साइज को क्या कर सकते हो, इस तरह से कम ज़्यादा कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका फॉन्ट साइज को तुम इस तरह से छोटा बड़ा यहाँ से भी कर सकते हो। इंडिविजुअल किसी कैरेक्टर को भी तुम इस तरह से छोटा बड़ा कर सकते हो, समझ में आ रहा है। मैंने जस्ट किसी कैरेक्टर को मुझे छोटा करना है तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया, अभी इससे क्या हुआ वो पर्टिकुलर कैरेक्टर छोटा हो गया। और अगर तुमको पूरा टेक्स्ट को ही करना है, वर्ड को ही करना है, तो किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट मत करो। तो इस अप टू यू, तुम सिलेक्शन के हिसाब से उसको तुम, जैसे मैंने ये दोनों को सिलेक्ट कर लिया तो ये दोनों को मैंने छोटा कर दिया, लाइक दिस। इस तरह से कुछ हल्का फुल्का तुम देहोदा काम कर सकते हो, ठीक है।
देखो तो हम लोग आगे चलते हैं, एंड ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे डिफॉल्ट में छोड़ता हूँ। अगला क्या है नेक्स्ट, ये तो हो गया फॉन्ट, ये हो गया तुम्हारा साइज। उसके बाद यहाँ पे क्या रहा है, देखो ये हो गया सेट द लीडिंग। अबे लीडिंग थोड़ा बाद में समझाऊंगा, उससे पहले मैं समझा दूँ कार्निंग, कार्निंग ट्रैकिंग समझा दूँ मैं उससे पहले। ये क्या है सेट ट्रैकिंग, ट्रैकिंग मतलब कैरेक्टर्स के बीच में स्पेस, ट्रैकिंग मतलब कैरेक्टर के बीच में स्पेस। यहाँ पे जितना भी कैरेक्टर है इन सब का बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस का बात हो रहा है। अगर स्पेस बढ़ाना है तो ट्रैकिंग बढ़ा दो, अगर स्पेस घटाना है तो ट्रैकिंग घटा दो। तो मैं अगर यहाँ से स्पेस को कैरेक्टर्स के बीच में अगर स्पेस बढ़ाना है तो मैं देखो ट्रैकिंग वैल्यू को मैं बढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉन्ट साइज बड़ा नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा एकदम से यहाँ पे टाइप कर दूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया 400, तो देखो एकदम से उसका कैरेक्टर स्पेस बढ़ चुका है। बात समझ में आ रहा है, क्लियर? तो इट्स अप टू यू, तुमको कैरेक्टर इसके जिस पर बढ़ाना है उसको बढ़ा सकते हो। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे दो नेक्स्ट ऑप्शन हो गया, वो हो गया क्या कार्निंग, ठीक है कार्निंग। अच्छा कार्निंग में क्या होगा, देखो तो कैरेक्टर इसको मैं बाय डिफॉल्ट में जो है उसी को रखता हूँ मैं। कार्निंग में क्या होता है देखो, तो अच्छा कार्निंग में क्या होता है देखो, अभी फिलहाल यहाँ पे कार्निंग में कुछ डिफॉल्ट ऑप्शन है, जैसे ऑटो है ठीक है, फिर मैट्रिक्स है, या अलग अलग ऑप्शन है। नॉर्मली हम लोग ऑटो या तो ऑप्टिकल, ये दोनों को ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन इसका तुम कार्निंग मतलब किसी दो कैरेक्टर का स्पेस का बीच का स्पेस का बात हो रहा है। तो समझ लो मुझे ये एच एंड ई के बीच में जो स्पेस है उसको बढ़ाना है, तो मैं पहले तो क्या करूँगा यहाँ पे इसको क्लिक कर लूँगा और इसका कार्निंग वैल्यू को मैं यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। तो देखो ये सिर्फ क्या हो रहा है, वो एच एंड ई का बीच में जो स्पेस है, जैसे मैं यहाँ पे 22 इसको थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ, 100 कर देता हूँ, तो एच एंड ई का बीच में जो स्पेस है उसी को ये मतलब क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है कार्निंग। किसी पर्टिकुलर दो स्पेस का बीच का कैरेक्टर को अगर मॉडिफाई करना है तो कार्निंग, क्लियर? तो और ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको 100 किया, जैसे तुम जितना चाहे दे सकते हो, ऐसा अप टू यू। मैंने इसको समझ लो इस बार 300 कर दिया, तो ये इस तरह से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा ठीक है। और ऑप्टिकल मतलब ये ऑटो, तो मतलब अच्छा इसको पूरा सिलेक्ट कर लो, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसको हम लोग कर देते हैं ऑप्टिकल, मतलब ये नॉर्मल सी में आ जाएगा फिर से ठीक है। या तो ऑटो रख सकते हो या तो तुम इसको ऑप्टिकल, तो देख लेना कौन सा बेहतर इसमें फिट हो रहा है ठीक है। एक्चुअली क्या होता है देखो, जैसे मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ, जैसे मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पे डिलीट करता हूँ और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ टेक्स्ट TEXT टेक्स्ट। तो अभी देखो यहाँ पे क्या लग रहा है, जैसे टी और ई के बीच में जो गैप है थोड़ा ज़्यादा लग रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? वो तो नॉर्मल है, लेकिन देखा जाए तो अगर टी और ई के बीच में जो गैप है, ये अभी तुमको समझ में आएगा, ये ऑप्टिकल ये ऑटो। अच्छा अभी मैं ऑटो में जा रहा हूँ, तो ऑटो में देखो ये हाल है, तो समझो तुम इसको क्या हो रहा है अभी, और ऑप्टिकल में जा रहा हूँ तो कुछ हल्का सा डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये तुमको दिखना है तुमको कौन सा बेहतर यहाँ पे फिट हो रहा है, उसी में तुमको इसको सिलेक्ट करना है ठीक है। और ये हो गया ऑप्टिकल। और अगर तुमको मैन्युअली किसी का स्पेस को घटाना है तो तुम बस यहाँ पे जा करके इसका कार्निंग वैल्यू को कम कर दो ठीक है। इसका कार्निंग वैल्यू को तुम यहाँ से, सॉरी मैंने इसको हटा दिया, तो मैं ऑलरेडी तुमको दिखा दिया उस तरह से इसको वैल्यू को कम ज़्यादा करके इसको कर सकते हो ठीक है। नेक्स्ट वर्टिकल स्केल। अच्छा देखो कभी कभी क्या होता है, एक होता है वर्टिकल स्केल, दूसरा हो गया हॉरिजॉन्टल स्केल। मतलब वर्टिकली अगर इसको बड़ा करना है या तो हॉरिजॉन्टली अगर बड़ा करना है ठीक है, तो वर्टिकली बड़ा करना है तो इसका साइज को बढ़ा दो, जैसे मैंने इसको 200 कर दिया तो वर्टिकली ये साइज बढ़ गया। और अगर हॉरिजॉन्टली इसको बड़ा करना है तो इस तरह से यहाँ से मैं जैसे इसको 100% करता हूँ, जैसे ये 100% कर दिया, और हॉरिजॉन्टली अगर करना है तो इसको मैं करता हूँ 200। लेकिन ये सही नहीं होता है, तो वही बात है जैसे पहले मैंने बोला था,
अगर उसको खींच के पकड़ के अगर लंबा कर दोगे तो वो क्या होता है, एक तरह से वो उसका फॉन्ट साइज बड़ा तो होता है लेकिन वो एक तरह से उसका ओरिजिनल साइज बिगड़ जाता है, ठीक है, स्ट्रेच करने जैसा हो जाता है, इसको खींच के पकड़ने जैसा होता है। तो इसीलिए ध्यान में रखना है, जब भी हम लोग गलती से भी अगर तुमने इस तरह से समझ लो, इस तरह से तुमने ये कर लिया, पहले समझ लो तुमने इस तरह से कुछ इस तरह से कर दिया समझ लो, ठीक है, तो तुमने इसको तो शिफ्ट बिना शिफ्ट का तुमने इसको इसका फॉन्ट साइज को तुमने क्या कर दिया, इस तरह से बड़ा कर दिया, और तुमको इसको नॉर्मल सी में लाना है। देखो अभी यहाँ पे ये वैल्यू भी शो होता है उसके साथ साथ, उसके साथ साथ ये वैल्यू भी शो हो रहा है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, तो कभी कभी इसे होने से उसको हम लोग दोनों ही को, वर्टिकल को और हॉरिजॉन्टल को दोनों ही हम लोग कहाँ पे रखेंगे, 100% पे रखेंगे, तो वो नॉर्मल सी 20, उसका फॉन्ट साइज बड़ा भी हो लगे लेकिन वो नॉर्मल सी में आ जाएगा, जैसे ये 100 है लेकिन ये 100 में नहीं है, तो इसको भी मैं क्या कर दूंगा, 100 में रखूंगा, बस समझ में आ रहा है। तो कभी भी अगर तुम इसको चेंज भी कर देते हो, यहाँ पे ये दोनों ध्यान रखना है कि 100 में ही रहे, ये स्केल को यहाँ पे देख के तो रखा है लेकिन तुम इसको मॉडिफाई मत करो, नहीं नहीं अगर तुमने, मैंने बोला गलती से इसका साइज बड़ा कर दिया, खींचते इस तरह से खींच के पकड़ के समझ लो, ठीक है, इस तरह से तो ये सही नहीं, ये प्रॉपर फॉन्ट ये साइज बड़ा नहीं हुआ, एक तरह से इसको मतलब स्ट्रेच कर दिया हम लोगों ने, ठीक है, हॉरिजॉन्टली। तो करना क्या है, अभी तुमको पता नहीं है इसका नॉर्मल कौन सा होगा, कितना में नॉर्मल है ये तुमको तो पता नहीं चल रहा है, अभी तुमने तो एक बार तो कर दिया उसको, समझ लो अभी कितना में नॉर्मल सी में आएगा ये तुमको पता नहीं है, ठीक है, मैंने तो कर दिया, अभी ये एग्जैक्ट नॉर्मल में नहीं आया, तो यहाँ पे तुमको पता चल जाएगा, अगर यहाँ पे 100% करोगे एग्जैक्ट नॉर्मल सी में वो आ जाएगा, अगर मैंने यहाँ पे 100 कर दिया तो उसका अपना एकदम नॉर्मल सी में वो आ गया, हॉरिजॉन्टल भी उसको 100 रखो और वर्टिकली भी उसको दोनों में ही उसको 100 रखो, तो अपना प्रॉपर वो नॉर्मल सी में मतलब जो एक्चुअल अलाइनमेंट उसमें आ जाएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है, बेस लाइन शिफ्ट। तो बेस लाइन शिफ्ट का मतलब क्या है, जैसे मैं किसी एक टेक्स्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, समझ लो ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया या तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, तो बेस लाइन शिफ्ट से क्या होता है, देखो अगर मैं इसका वैल्यू बढ़ा दूँ, जैसे मैंने इसको 9 पॉइंट कर दिया, तो मतलब ये जितना पॉजिटिव पॉइंट सिलेक्ट करोगे वो उसको ऊपर लेके जाएगा बेस लाइन शिफ्ट, और जितना नेगेटिव पॉइंट को सिलेक्ट करोगे उतना नीचे लेके आएगा, ठीक है, बस समझ में आ रहा है, जिसको सिलेक्ट करोगे वही बेस लाइन शिफ्ट के हिसाब से अप डाउन होगा, ओके, और ये नॉर्मली में क्या होता है तुम्हारा 0 में रहता है, ओके, समझ में आ ही रहा है तुम लोगों को। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कैरेक्टर रोटेशन, मतलब किसी कैरेक्टर को अगर तुमको रोटेट कर देना है, समझ लो ये ई जो है इसको मुझे घुमा देना है थोड़ा सा, तो मैं यहाँ पे इसका वैल्यू को चेंज करते हुए इसको मैं 60 डिग्री में घुमा दिया मैंने, ये कैरेक्टर रोटेशन हो गया, मतलब इस ई को, लेकिन ये सब तो समझ में आ रहा है, कुछ काम का नहीं है, तो करना अपने हिसाब से, ये मैंने ई को इस तरह से घुमा दिया, ये कैरेक्टर रोटेशन हो गया। तुम चाहे तो सिर्फ पर्टिकुलर वर्ड कैरेक्टर को नहीं, पूरा पूरा तुम्हारा क्या है, पूरा इस वर्ड को ही तुम इसको रोटेट कर सकते हो, जैसे मैंने ये 45 डिग्री कर दिया, तो ये इस तरह से कैरेक्टर रोटेशन से मैंने इसको रोटेट कर दिया, तो ज़रूरत के हिसाब से करना है इसको, लेकिन ये सब इतना खास हो सकता है, इसको लेके भी तुम क्रिएटिवली कुछ सोचो और कुछ करो तुम लोग, ठीक है, बहुत स्मार्ट हो अभी तो। हाँ, देखो मैं बार बार बोलता हूँ तुम लोगों को इसको। अच्छा, तो हो गया यहाँ तक, कुछ रह गया ये सब ऑप्शन, तो ये सब खत्म करना है, इतना खास कुछ है नहीं अभी। देखो समझ लो अभी क्या है, तुमको अगर ऑल कैप्स चाहिए तो ऑल कैप्स चाहिए तो यहाँ पे सिलेक्ट कर दो, ये ऑल कैप्स में आ जाएगा, बस समझ में आ रहा है, वो लिखा हुआ है, और उसके बाद स्मॉल कैप चाहिए तो यहाँ पे सिलेक्ट कर दो, पहला कैटर को छोड़ के, मतलब अल्टीमेटली वो तो उसका तो फॉर्मेट तो वही रहेगा लेकिन स्मॉल कैप्स में आ जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद ये अलग अलग ऑप्शन में आ रहा है, तुम देख सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, सुपर स्क्रिप्ट, तुम लोग को पता है सुपर स्क्रिप्ट, जैसे अगर मुझे 2 स्क्वायर लिखना है, मुझे क्या लिखना है, ए स्क्वायर 2 स्क्वायर जो भी हो, जैसे मैं समझ लो कि यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कि 2 to the power 4, मुझे क्या लिखना है, 2 to the power 4 लिखना है, तो उससे पहले मैं ऊपर वाला को डिलीट कर दूँ, मुझे लिखना है 24 हो रहा है लेकिन मुझे लिखना क्या है 2 to the power 4, तो मैं क्या करूँगा इसको सुपर स्किप में लगा दूंगा। तो कैसे लगाऊंगा, ये जस्ट 4 को सिलेक्ट करो और यहाँ पे आकर सुपर स्किप हो जाएगा, ठीक है, और अगर सब स्किप मतलब उसके नीचे आएगा, समझ में आया, जैसे सेकंड लिखना है, सेकंड 2nd लिखना है मुझे यहाँ पे, तो 2nd सुपर स्किप मेरा सिलेक्ट है तो सेकंड लिख दिया मैंने, तो इस तरह से। और अगर उस तरह तुमको सब स्किप लिखना है तो यहाँ पे जस्ट सब स्किप के क्लिक कर दो, अभी नीचे आएगा ये, जैसे मैंने ये
तो जरूरत के हिसाब से देना इसको, जब जहाँ जरूरत पड़ेगा। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट साहब इसके लिए फिलर सिलेक्ट है, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। अभी ये नॉर्मल में आ गया, फिर भी ये अभी भी सिलेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से तुम यहाँ पे साहब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट इम्प्लीमेंट कर लेना। ओके, जो भी इम्प्लीमेंट करना है ना इस तरह से कर लेना। ओके अच्छा, तो और क्या रह गया? ये तो अंडरलाइन है, तो समझ में आ ही रहा है अंडरलाइन। और ये क्या है? लाइन थ्रू है, मतलब स्ट्रोक थ्रू में बीच में से लाइन आएगा। ठीक है, और ये क्या है? ये एक्चुअली तुम्हारा एंटी एलियाजिंग मेथड है, मतलब अगर तुम्हारा ये तो एक्चुअली अभी वेक्टर वेक्टर इमेज है, अगर इसको मुझे ये एक्चुअली तुम्हारा रास्टराइज इमेज के लिए जरूरत पड़ता है। इसको फिलहाल मैं जस्ट यहाँ पे दिखा दूँ, अगर मैं इसको पिक्सल व्यू करूँ तो देखो ये कुछ इस तरह से हो रहा है। ये तो ऑलरेडी जूम्ड है ना, जूम करने से पिक्सल व्यू में ऐसे आता है वो। ठीक है, और उसी केस में इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो ये अभी तुमको अगर तुम्हारा इमेज पिक्सल व्यू रास्टराइज इमेज है तो उसको तुमको फिनिशिंग लाना है, इसका एजेस में फिनिशिंग लाना है। तो रास्टराइज में तो ऐसे ही होगा उसका एजेस, तुमको पता है, तुम लोगों को मैंने सिखाया था वेक्टर के बीच में फ़र्क क्या था, और तब इसको फिनिशिंग देना है। तो तुम इस तरह से यहाँ पे इसको, जैसे मैं फिलहाल यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखा दूँ, और ये देखो अभी ये देखो कुछ इस तरह से हो रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे इसका अलग अलग इफेक्ट होगा। जैसे शार्प है, अभी अगर नान करूँ तो नान में कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा है। अच्छा, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया इसको, सॉरी, मैं इसको पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो ये इसके एजेस को देखो, तो फिलहाल नान है, क्रिस्प करता हूँ तो इस तरह से हो रहा है, देखा ना। फिर मैं स्ट्रॉन्ग करता हूँ तो ये होगा, और अगर शार्प करूँ तो ये रहेगा। तो नान करने से नान होगा, नान कभी मत रखना इसको, नान रखने से ये ख़राब होता है, पिक्सलाइज मतलब ख़राब दिखेगा। अभी तो जूम है, जूम इन है, तो फिर भी हम लोग को मोस्टली इसको शार्प ही रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये अलग अलग ऑप्शन है एंटी एलियासिंग इफेक्ट, तो इसका इतना भी खास जरूरत नहीं है। तो समझ में आ गया, दो तीन लाइन बात बोल के ख़त्म करता हूँ मैं पैराग्राफ से जुड़ा हुआ। तो ये तो हो गया तुम्हारा नॉर्मल, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, इसको इतना झमेला नहीं करना है मुझे यहाँ से। पैराग्राफ जैसे मैंने ऑलरेडी पहले से एक पैराग्राफ यहाँ पे रखा था, ठीक है, अभी पैराग्राफ को भी थोड़ा मैं यहाँ पे जूम कर लूँ, और देखो पैराग्राफ से जुड़ा हुआ दो तीन मैं बातें बोल रहा हूँ तुम लोग को यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे पैराग्राफ ऑप्शन है, ठीक है, उससे पहले तुम पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लो। मैंने पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे पैराग्राफ वाला ऑप्शन है, तो ये तो कॉमन बात है। ठीक है, अलाइन लेफ्ट, पैराग्राफ तुम्हारा लेफ्ट में अलाइन हो रहा है। अलाइन सेंटर, पैराग्राफ तुम्हारा सेंटर में अलाइन हो गया। अलाइन राइट, पैराग्राफ तुम्हारा राइट में अलाइन हो गया। और ये क्या है? ये जस्टिफाई विथ लास्ट लाइन अलाइनमेंट लेफ्ट, तो समझ में आ रहा है, मतलब लास्ट लाइन का बात हो रहा है। अभी लास्ट लाइन क्या होगा? लेफ्ट अलाइन होगा। लास्ट लाइन सेंटर अलाइन, लास्ट लाइन का बात हो रहा है अभी, और लास्ट लाइन राइट अलाइंड होगा। ठीक है, और ये क्या है? मतलब जस्टिफाई ऑल लाइन, सबको मिला देगा, तो ये तो खराब दिखेगा डेफिनेटली। ठीक है, तो चलो समझ में आ गया। उसके बाद ये जो है लेफ्ट इंडेंट, मतलब इधर से अगर तुमको गैप लगाना है तो लेफ्ट इंडेंट बढ़ा दो, इसका वैल्यू बढ़ा दो, तो ये देखो लेफ्ट इंडेंट। और अगर तुमको राइट साइड से इंडेंट देना है तो राइट इंडेंट कर दो, इधर से तुम वैल्यू बढ़ा दो तो यहाँ से राइट इंडेंट होगा। समझ में आ रहा है, ये राइट इंडेंट। तो बाय डिफॉल्ट में इसको मैं जीरो में रखता हूँ। ठीक है, और ये क्या है? ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट लाइन लेफ्ट इंडेंट, फर्स्ट लाइन का बात हो रहा है, ये लाइन का। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन लेफ्ट इंडेंट मतलब इसको अगर बढ़ाओगे तो देखो, अच्छा मैंने सिलेक्ट नहीं किया, पैराग्राफ को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन देखो, जस्ट फर्स्ट लाइन राइट इंडेंट हो रहा है, देखा ना, पूरा पैराग्राफ नहीं हो रहा है उसका, जस्ट फर्स्ट लाइन। नॉर्मली हम लोग ऐसे करते हैं, पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन को थोड़ा फ्रंट से थोड़ा इंडेंट गैप छोड़ते हैं हम लोग उसको, तो ये होता है फर्स्ट लाइन लेफ्ट इंडेंट। ठीक है, और यहाँ पे क्या है देखो, ये तुम्हारा स्पेस बिटवीन पैराग्राफ्स, ठीक है, तो इसको अगर बढ़ाना है मतलब इसका बात हो रहा है, स्पेस बिफोर स्पेस आफ्टर, तो चलो इसको अगर बढ़ाता हूँ देखो स्पेस बढ़ रहा है कि नहीं, पैराग्राफ के बीच में स्पेस बढ़ रहा है। हो गया बात, समझ में आ रहा है। और फाइनली जो ये हो गया तुम्हारा हाइफेनेट, हाइफेनेट का मतलब क्या है? तो कभी कभी ऐसा होता है देखो कि कुछ कुछ, क्योंकि ये तुम लोग को पता है, ये यहाँ पे देखो क्वी, ये देखो यहाँ पे देखे लिखा हुआ है, यहाँ पे एक हाइफ़न है कि नहीं, मतलब जो वर्ड सेम लाइन में कंप्लीट ना हो और अलग लाइन में चला जाए, उस वर्ड का दो पार्ट सेकंड लाइन, एक पार्ट सेकंड लाइन में चला, तो यहाँ पे हाइफ़न देना पड़ता है कि नहीं, ये तो नॉर्मल बात है। और तुमको चाहिए कि हाइफ़न, इस तरह से हाइफ़न यूज़ ना करते हुए सेंटेंस को लिखना है मुझे, हाइफ़न नहीं चाहिए मुझे, मतलब सीधा सा बात है, तो उसको एडजस्ट कर देगा वर्ड को, या तो ऊपर का लाइन में या तो नीचे का लाइन में टाइप कर देगा, लेकिन हाइफ़न मतलब वर्ड को डिवाइड नहीं करेगा हाइफ़न लगाते हुए। तो हाइफ़नेट को हटा दो और देखो ये नहीं आएगा, अब यहाँ से हाइफ़न वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो उसको मिला दिया उसने। क्लियर हो गया बात, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी हो जाएगा आज।